And breaking news coming in as of now, the rebel MLA Vinod Kumar Vinny of the Aam Aadmi Party has been expelled from the party. Remember, a disciplinary committee had started, initiated that, in fact, the action against Vinny. Vinny is the MLA from Lakshmi Nagar. He had defeated AK Walia, the strong Congress minister in the last elections. It was just a few days back when Vinod Kumar Vinny had started to talk against the Aam Aadmi Party. In fact, he did a press conference on the 14th of this month, and since then he has been attacking his own government and the party. After that, there was the disciplinary committee of the Aam Aadmi Party that had initiated action against Vinny. He was served one show cause notice asking why he should not be expelled from the party because of the kind of statements he had made against the party. We also know that his membership, his primary membership from the party, has been terminated. Joining us right now is Vinod Kumar Vinny himself. Vinny, aapko party se expel kar diya gaya hai. Pehla reaction kya hai aapka? सर, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना पार्टी ने मुझे कुछ बताया, ना सूचना दी है, ना लिखित में, ना वैसे जी. अभी तक आपको जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हमें जो सोर्सेस से अपने जानकारी मिल रही है उसमें बताया गया है कि आपके खिलाफ एक्शन लिया है पार्टी ने. जो डिसिप्लिनरी कमेटी थी उसको लगता है कि आपने एंटी पार्टी एक्टिविटीज में आप रहे हैं, आपने नेताओं को जिस तरीके से शर्मसार किया गया है, उसके बाद से आपकी प्राइमरी मेंबरशिप भी खत्म कर दी गई है. सर, वो पार्टी का डिसीजन है. अगर पार्टी इतनी तानाशाह हो जाती है और दिल्ली की जनता के मुद्दे उठाने पर अगर वो इतने इतने क्रूर हो सकते हैं तो पूरा दिल्ली और पूरा देश देखेगा. लेकिन बहुत शर्मनाक बात है. लेकिन पहले इन लोगों को अपने उन लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने देश को बांटने की बात की है, जिन्होंने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है. बिनी, आप ये बताइए कि आपका कल अनशन शुरू होने वाला है आपकी सरकार के खिलाफ. आपने कल से अनशन पे जाने की तैयारी कर ली है. आपको लगता है कहीं ना कहीं पार्टी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती है, आपकी बात को दबाने की कोशिश हो रही है? सर, हो सकता है उनकी नीतियां, क्योंकि ये हमेशा इसकी प्रवृत्ति इस तरह रही है पार्टी के नेतृत्व की कि वो तानाशाह रवैया हमेशा उन लोगों का रहा है. अगर उनको ऐसा करना है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा देश के लिए और हम सब लोगों के लिए, प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए. विनोद जी, अब अनशन का क्या होगा? कल क्या अनशन फिर भी करेंगे? खुलासे जो आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जिस तरीके की वादा खिलाफ उनकी सरकार ने करी है, उसके खिलाफ क्या जाहिर रहेगा? जनता से इन्होंने प्रॉमिस किए तो उनकी बात की है जी, और वो मैं तमाम मंच से कल रखूंगा मेरी अपनी तरीका. अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? अगर पार्टी ने आपको निकाल दिया है, आपकी सदस्यता जो है एमएलए के तौर पे वो बनी रहेगी, तो आगे आपकी किस तरीके की रणनीति रहेगी अब असेंबली में? सर, मुझे पहले फाइनली कुछ चीज मिल जाए. मैं आपके से पे तो नहीं कर सकता, मुझे कोई जानकारी नहीं है, पार्टी की तरफ से सूचना नहीं है जी. जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा. बहुत आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता जो योगेंद्र यादव हैं, जिस समय आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी पहली बार 14 तारीख को, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि बिन्नी कहीं ना कहीं बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं. आम आदमी पार्टी के नेता ये भी कहते रहे कि लगता है कहीं ना कहीं आपके ऊपर बीजेपी का इन्फ्लुएंस है या कुछ सांठगांठ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भगवान को साक्षी मानकर, गीता को साक्षी मानकर ये बात कह सकता हूँ कि मैं, ये मेरी अपने अंतरात्मा की आवाज थी जो मैंने लोगों के सामने रखी है. ना मैं किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से प्रभावित होकर मैंने बात की है, ना कांग्रेस के, क्योंकि मैंने दो हफ्ते पहले जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े तो वो इसलिए लड़े कि मुझे कांग्रेस और बीजेपी की नीतियां पसंद नहीं थी जी. आज मैं अगर आम आदमी पार्टी में हूं तो इसलिए हूं कि मुझे कांग्रेस बीजेपी की नीतियां पसंद नहीं है जी. अगर ये क्योंकि अरविंद केजरीवाल और तमाम टीम जब जब इस पार्टी में ऐसे से हल्की बातें करते हैं, मान लो कोई पार्टी को सुधारने की बात करता है, पार्टी के हित की बात करता है, पार्टी के मुद्दे उठाता है, तो वो हमेशा हर आदमी के साथ उन्होंने कॉमेंट किया है कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, आप कांग्रेस के एजेंट हैं, आप देशद्रोही हैं. ये तीन चार लाइनें इनके पास हैं, वो सबके लिए बोलते हैं. ये बताइए कि आपने जो शो कॉज नोटिस मिला था उसमें आपका जवाब क्या था आम आदमी पार्टी के लिए? इन्होंने एक संविधान के तहत कॉलम 6A1 करके कोई सेक्शन धारा लगाई थी, उसमें मैंने कहा था कि उसके साथ आपको संविधान की कॉपी भेजना चाहिए थी, क्योंकि आपने संविधान की कॉपी अब तक किसी को नहीं दी है. एक सिस्टम भी बनता है कि अगर आप किसी से क्लोक कॉल लगा उनको चीज पूछते हैं, उसकी डिटेल्स आपको भेजनी चाहिए जी. वो मैंने कहा आप डिटेल भेज दीजिए. उसके बाद इन्होंने कोई डिटेल नहीं भेजी है, ना उस बारे में आगे कोई मुझे पत्रकार किया इन लोगों ने जी. बिनी, ये बताइए कि आप जिस तरीके से अब तक आपका पूरा कांग्रेस इन लोगों का यही आपके ऊपर रहा है कि बीजेपी की शायद आप भाषा बोल रहे हैं, क्या आप हमारे दर्शकों को ये कह सकते हैं कि आप बीजेपी को ज्वाइन नहीं करेंगे इसके बाद? मैं ना भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाला हूँ, ना कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूँ. मैं गीता पे हाथ रख के कसम खा सकता हूँ कि ये मेरे अपने अंतरात्मा की आवाज थी. ना इसके पीछे बीजेपी का रोल है, ना कांग्रेस का रोल है.
अगर ये आम आदमी पार्टी अपने लोगों को इस तरह निकालेगी कि भाई उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुद्दों की बात की, दिल्ली की जनता को जो आपने मुद्दे किए उन पे आपको याद दिलाया, आपने पानी पे दिल्ली की जनता को धोखा दिया, आपने सबको कहा था 700 लीटर हम पानी फ्री देंगे अनकंडीशन बिना किसी शर्त के, आपने उस पर शर्त लगा दी कि 701 लीटर होने के बाद आपको पूरे बिल के पैसे देने होंगे पानी के, उसके बाद 10% सरचार्ज देना होगा, आप दिल्ली की जनता के साथ धोखा करें और फिर ये उम्मीद रखते हैं कि सच्चे वॉलंटियर आपके साथ आपकी आवाज नहीं उठाएंगे, आप मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? जो मैंने मुद्दे उठाए उनका जवाब दीजिए, आप ये कहना बंद कीजिए कि आप बीजेपी के एजेंट है, आप कांग्रेस के एजेंट है, इनको लोकसभा चुनाव दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं भैया। आप अन्ना हजारे से भी मिलने गए थे, अब अन्ना हजारे की टीम के काफी लोग ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी, जैसे किरण बेदी हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने काफी सपोर्ट करा है नरेंद्र मोदी को, आप अन्ना हजारे से मिलने गए थे, क्या बात हुई आपकी अन्ना हजारे से? अन्ना जी को मैंने वास्तविकता से अवगत कराया था, अन्ना जी इस पार्टी ने जब हमने प्रचार किया तो क्या बातें थी, उसके बाद मैनिफेस्टो बनाते बनाते क्या बदलाव आ गया, और मैनिफेस्टो बनाने के बाद सरकार बनने के बाद क्या बदलाव आ गया, तमाम चीजें मैंने उनको अन्ना जी को अवगत कराया, ना तो मैंने शिकायत के तौर में उनसे कहा, मैंने सिर्फ वास्तविकता अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बताया कि एक अच्छे इंसान है, देश में उन्होंने एक नई पहल की है और उसी पहल का नतीजा है अरविंद केजरीवाल और तमाम लोग, तो मैंने सोचा मेरी नीतिक जिम्मेदारी है उनसे उनको अवगत कराऊं और अवगत कराने का मैंने काम किया। क्या विनोद कुमार बिन्नी अब जो भी आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट लोग खड़े होंगे, जैसे कि आप खुद गए थे वहां जो टीचर एसोसिएशन है जो सचिवालय के बाहर धरना दे रहे हैं उनके समर्थन में आप गए थे, क्या जहां जहां पे आम आदमी पार्टी का विरोध होगा वहां वहां पे बिन्नी दिखेंगे? नहीं, जहां जहां विरोध होगा वहां बिन्नी कभी नहीं दिखेगा, लेकिन जहां नैतिकता और सच्चाई की बात होगी, जो आपने दिल्ली की जनता के लिए जिसके लिए बातें की, वहां वहां विनोद कुमार बिन्नी आपको हमेशा दिखेगा जहां दिल्ली की जनता के मुद्दों की बात हो। जी, अभी आपका जब अगर आपको इस तरीके अगर जिस तरीके से आपको निकाला जा रहा है उसके ऊपर क्या कल इस आप और भी कुछ मुद्दे उठाएंगे जो आपने पहले बातें करी है, उनके अलावा भी कुछ नए मुद्दे उठाएंगे? तमाम चीजें जो दिल्ली की जनता के सामने आना चाहिए, वॉलंटियर के सामने आया जो तमाम मुद्दे हमने बिल्कुल जरूर रखेंगे सामने। विनोद जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, अब अरविंद केजरीवाल के बारे में आपने काफी बातें कही थी, आपने कहा था कि वो तानाशाह की तरह काम करते हैं, वो उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि उनके खिलाफ कोई बात बोली जाए या उनकी बात से सहमति ना कोई लगाए, कहीं ना कहीं आपको लगता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप टिकट मांगने गए थे उसके बाद फिर पहले आप कैबिनेट बर्थ चाहते थे, कहीं ना कहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल का पूरा इस पे मुख्य तौर से रहा है आपको निकालने में? दरअसल वो एक बहुत बड़े तानाशाह इंसान है और उन्होंने हमेशा इस तरह का हिटलर शाही रवैया हमेशा पार्टी में रखा है, और उन्होंने पिछले दिनों गृहमंत्री के लिए जो स्टेटमेंट दिया, तमाम लोगों के लिए जो स्टेटमेंट दिया, वो बताते हैं कितने इरोगेंट है, इतने अहंकारी हैं, वो सब पूरे देश ने देखा है, और मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है कि वो, क्योंकि वो एक सिंगल मैन पार्टी है, सिंगल आदमी है जो इस देश में कार्रवाई कर रहा है, मतलब पार्टी चला रहा है, उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो महत्वाकांक्षा में किसी को जिंदा जिंदा रहना नहीं चाहता कि रहे कोई भी। जी, एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, अब आपका पॉलिटिकल फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं, अब क्या करेंगे विनोद कुमार बिन्नी? दरअसल पॉलिटिकल मैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के भरोसे नहीं था, आपको पता होगा मेरे बारे में, मैं 2 बार इंडिपेंडेंट रहा हूं और मैं अपने कर्म के बल अपने कार्य की वजह से रहा हूं आम आदमी पार्टी को, बल्कि इसका फायदा मिला है, अरविंद केजरीवाल ने अगर दिल्ली में 200 सभाएं की है तो 190 सभाओं में विनोद कुमार बिन्नी का जिक्र किया है, तो ये विनोद कुमार बिन्नी किसी पार्टी का और किसी उसका मोहताज नहीं है, विनोद कुमार बिन्नी अपने काम पे विश्वास रखता है, जनता के मुद्दों पे विश्वास रखता है, ये मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ भाई, मैं तो हमेशा अगर मैं काम करूंगा तो जिंदा रहूंगा, नहीं रहूंगा तो अपने घर बैठूंगा, बिल्कुल ठीक बात है। जी जी, क्या कल आप जो आपने मुद्दे जो उठाए थे सरकार के खिलाफ, आपने कहा था कि आप अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अपने वादा खिलाफी करी है उसके अलावा भी लोगों को कुछ और नई जानकारी देंगे, अरविंद केजरीवाल किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो वादा खिलाफी कर रहे हैं? तमाम चीजें बताने वाले लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया बिन्नी हमें जहां पे ज्वाइन करने के लिए, दैट वाज विनोद कुमार बिन्नी द रेबल एमएलए फ्रॉम द आम आदमी पार्टी हु हैज बीन एक्सपेल्ड, इन फैक्ट देर आर सोर्सेज टेलिंग अस दैट द डिसिप्लिनरी कमिटी हैज एक्सपेल्ड देम, नाउ द कॉन्फर्मेशन हैज ऑल्सो बीन सेंड टू अस वाया वाया ट्विटर, इन फैक्ट द आम आदमी पार्टी ऑन द ट्विटर हैंडल हैज जस्ट सेड दैट डिसिप्लिनरी कमिटी टुक डिसीजन, श्री विनोद कुमार बिन्नी हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द आम आदमी पार्टी, वी आर waiting to hear from the from official reaction from the Aam Aadmi Party, but what we knew was that there was this high level meeting going on. In fact, in the last 3-4 days we were waiting for this action to take place, just a few days before Aam Aadmi Party sources had informed to us that there will be a definitive action that will be taken
against Vinod Kumar Binny, and as of now it seems that the party has decided that Binny should be expelled for whatever he has said against Arvind Kejriwal and taking anti-party stand.